पहले यार हमें एक लेना पड़ेगा समोसे की पट्टी यार। सबसे पहले समोसे की पट्टी लेते हैं हम यार। पट्टी लेने के बाद यार इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी बार हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद भाईजान थोड़ा सा हम लोग हाथ में लेंगे बेसन। अगर गिराए हम उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लगाएंगे। अगर गिरा दिया ना तो अम्मी हमें जिंदगी से गिरा देंगी। सारे हमने समोसे की पट्टी तो बना लिए, जब पूरे समोसे तैयार कर लिए तो अभी एक टाइम है इनको फ्राई करने का यार। तो फटाफट से अंदर डालते हैं। अल्लाह तमाम लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जितने लोग हैं जो गलत रास्तों में चल रहे हैं अल्लाह उनको रास्तों से हटा दे। या अल्लाह हम सबको अजूरा सादत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें मरने से पहले कलमा शहादत नसीब फरमा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हूं सुफी व्लॉगर, आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस यार जब भी मैं स्कूल से आती हूं यार सेटअप को दाना पानी वगैरह देकर यार तो मैं यहां पे आती हूं यार ऐसे लेट के, तो या तो मतलब मज़ा आता है यार यहाँ पे देने में। यहाँ से आता है ठंडा ठंडा वाला हवा, बिल्कुल गोले गंदे की तरह आता है हवा। आप लोग का भी हृदय में आया ना वो क्या आया मुँह में पानी आया आप लोग के भी गोले गंदा सुनकर। मुझे तो अभी मेरा भी रोजा यार भी रोजा लग रहा है। स्कूल से तो 12 बजे छुट्टी हो जाती है, उसके बाद आता सेटअप में पानी वगैरह देखे यार मैं थोड़ा यहाँ पे सो जाता हूँ। फिर 1 बजे उठ के अभी नमाज की तैयारी करता हूँ मैं जोर के। अभी देखो भाई सेटअप को दाना पानी दिया हुआ है देखो अल्लाह ये भाई यही। अभी देखो कैसे जाएगा केज के ऊपर जम कर। अभी ये जाएगा केज के ऊपर जम करके, क्योंकि ये इधर केज के ऊपर ही अंडे वगैरह देती है ना, तब ये केज के ऊपर जम करके जाएगा। भाई यार फाइनली ये मुर्गी ऊपर चढ़ गई है यार अंडे देने के लिए, तो ये अंडे देगी तो सेटअप भी पूरा रेडी है अभी हमारा। तो गाइस यार आपको सेटअप में कुछ ना चेंजिंग लगे रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं एक ये वाला भी केज बनाया, ये तो आपने केज देखा ही होगा ये वाला केज। तो गाइस आपको मैं सेटअप में चेंजिंग दिखाऊँ क्या है। तो आप लोग देख रहे हो ना हमारा सेटअप इतना माशाल्लाह से साफ सुथरा हो रहा है भाई जान। बस वो कोने वाले जगह को इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे तो सारे हमारे कचरे पड़े हैं भाई जान, बस जगह को इग्नोर करना। बाकी यार आप लोगों को खुशखबरी बताऊं यार, डफ का जो छोटा पीस है ना छोटू डफ भी भाई आज आया हुआ है नीचे, देख रहे हो ना उस कोने में। देखो भाईजान अपने घोंसले से उतर कर भाईजान छोटू डफ आया हुआ है आज नीचे भाई। माशाल्लाह सारे बोल दो एक मरतबा। यहाँ से हमने सारा यार सफाई वगैरह कर दी, हमने बोला कि वेस्ट क्यों करें यार सारी चीज़ों को, तो हमने यार यहाँ पे कोने में रख लिया। बाहर भी तो फैलाएंगे ना, इसीलिए हमने यहाँ पे रख लिया। अभी डस्टबिन में जाते हैं, रोड में इनको डस्टबिन में थ्रो करते हैं यार। यार अभी हमारे साथ इतना बैड सीन हुआ है यार, हमारे दोनों मुर्गियों की हो गई है लड़ाई यार। मैंने इतना मुर्गे फाइट नहीं करते ना, इतने यार मुर्गियाँ फाइट करती हैं भाई। माशाल्लाह से मैं आप लोग दिखाता हूँ यार। ये देखो इसको थोड़ा सा जख्म है और वो दूसरी वाली मुर्गी को भी थोड़ा सा जख्म है, देख रहे हो ना। उसका तो पूरा मुंह का प्रोग्राम ही उड़ गया। तो भाई जान बाकी हमारा सेटअप अभी कुछ ऐसा ही है। तो अभी जाते हैं यार नमाज की तैयारी करते, तो नमाज पढ़ने के बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यार फाइनली मैं नमाज वगैरह पढ़ के, तो आज को अभी हो गया मदरसे का टाइम, तो फटाफट से यार मदरसा पढ़ के, तो मदरसे के बाद यार थोड़ा सा सोऊंगा, तो उसके बाद ट्यूशन वगैरह जाके फिर वही अम्मी के साथ अफ्तारी में थोड़ी सी मदद करनी होगी, तो वही अम्मी अफ्तारी में मिलते हैं यार। फाइनली मैं सो कर तो उठ गया, अभी टाइम है यार अम्मी की मदद करने की। तो गाइस चीज़ें तो तैयार हैं, आप लोग देख सकते हो ये बेसन और ये काली प्लेट है, ये समोसे की पट्टियाँ और ये आलू वगैरह। तो यार फटाफट से चलते हो हम इसको बनाते हैं यार, तो आ जाओ। सबसे पहले यार हमें एक लेना पड़ेगा समोसे की पट्टी यार। सबसे पहले समोसे की पट्टी लेते हैं हम यार। पट्टी लेने के बाद यार इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी बार हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद भाईजान थोड़ा सा हम लोग हाथ में लेंगे बेसन। अगर गिराए हम उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लगाएंगे। अगर गिरा दिया ना तो अम्मी हमें जिंदगी से गिरा देंगी। तो हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद भाई ये ऐसे हो गया, खुल गया। तो अभी ये तो पूरा ऐसे हो गया, तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये आलू।
भर भर के भाई फुल आलू डालेंगे ना, क्या मजा ही आना चाहिए भाई खाने के वक्त। मुझे पता है, देखकर तो आप लोग के मुंह में भी पानी आ गया होगा। ये आलू डालने के बाद पूरा भर के हमने आलू डाल दिए, फिर से हम लोग थोड़ा बेसन लेंगे और ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे वजन लगाएंगे। जल्दी से लग जाओ। वजन बेसन लगने के बाद ये हो गया हमारा एक समोसा तैयार। तो अभी आपका मैं अपने वो सारे समोसे तैयार होते हुए थोड़ी ना दिखाएगा, तो ताकि वो सारे समोसे तैयार हो जाते हैं, अगर मैं सारे समोसे तैयार कर दूं, आप फटाफट से मुझे सब्सक्राइब कर दें। अगर सारे हमने समोसे की चपट्टी तो बना ली है, जब भी पूरे समोसे तैयार कर लिए, तो अभी एक टाइम है इनको फ्राई करने का यार, तो फटाफट से अंदर डालते हैं। अरे डर भी लग रहे हैं, मतलब मुझे इनको अंदर डाल लिया, अब इनको सही करते थोड़ा भाई, फटाफट से जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, पर यार उसके बाद खाएंगे मजा आ जाएगा। तो यार फटाफट से सारों को फ्राई कर दे, आपको इफ्तारी के टाइम मिलते हैं। गाइस यार माशाल्लाह माशाल्लाह से इफ्तारी तो आप लोग के सामने ही है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह दस्तरखान तो पूरा ही भर गया। अल्लाह की इतनी सारी नेमतें यार हमें मिल गई यार, हम लोग बनाते हैं एक डिश मगर हमें मिल जाती है इतनी सारी डिश है यार। तो गाइस यार फटाफट से दुआ करते हैं अजान में टाइम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جتنے لوگ ہیں جو غلط راستوں میں چل رہے ہیں اللہ ان کو راستوں سے ہٹا دے، یا اللہ ہم سب کو اجر سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ شہادت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، یا اللہ ہمارے والدین ہمارے بابا اور تمام بابا جن کے یار काम करते हैं उनके यार काम में तरक्की दें, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दें। इफ्तारी का टाइम और रमजान भी हो रही है, तो यार सबसे पहले खजूर मुंह में करते हैं। अल्लाह मन ने रखा तुम तो रुबा भी काम तो अल्लाह का तो कल तू आने रिस्की का अफ्तार तो। अच्छा यार खजूर तो यार इफ्तारी के बाद में इफ्तारी कर ली तो नमाज पढ़ के भी आ गए हैं। शुरू में इतना खाया नहीं गया, तो अभी यार थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट चल रही है बस, ये पापड़ वगैरह तो यार शुरू में इतना खाया नहीं जाता, उसके बाद बहुत ज़्यादा खाया जाता है। बहुत मज़ा तो आया पापड़। मैं अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद बड़ा लंबा में तरावी पढ़ने हैं। तो उम्मीद है आप लोग को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा प्यार दिखाएं। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।